रायबरेली के महाराजगंज क्षेत्र के सुखलिया गांव में जमकर राजनीतिक पार्टियां सुखलिया गांव में पहुंचकर अपनी पार्टी का झंडा गाड़ रही हैं। ग्रामीणों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 में बचरामा विधानसभा के विधायक राम नरेश रावत के द्वारा एक ग्रामीण व्यक्ति को अभद्र भाषा में धमकी दी गई थी। ग्रामीणों का मानना है उन्होंने भाजपा विधायक राम नरेश रावत को विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 2019 में बाढ़ के समय बचरामा विधायक राम नरेश रावत ने आश्वासन दिया था कि महीने बाद रास्ते का निर्माण शुरू हो जाएगा। 2021 बीतने वाला है। तेज बारिश के चलते सुखलिया गाँव टापू बन गया है। सुखलिया गाँव के निवासियों को बाहर जाने का रास्ता तक नहीं है। जब उन्होंने बचरामा विधायक राम नरेश रावत से कही गई बात पर उन्हें पुनः याद दिलाया गया तो उस ग्रामीण पर विधायक ने अभद्रतापूर्वक बात कही। साथ ही 5 ग्रामीणों को चिन्हित करके उन्हें जेल में सजा करवाने की भी बात कही। उनके ऊपर धारा 15C चलाने की भी धमकी दी। ग्रामीणों ने SDM और प्रधान प्रतिनिधि की अभद्रता की शिकायत की गई, पर आज तक उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों में आक्रोश है और उनका कहना है कि 2022 के चुनाव में बदलाव होगा। हमारे संवाददाता अरविंद मौर्य ने ग्राउंड जीरो से पूरी कवरेज की। आइए देखते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट महाराजगंज रायबरेली से TV1 इंडिया न्यूज के साथ। हुआ टापू में तब्दील। 2022 के चुनाव को लेकर सुखलिया गांव को बनाया गया राजनीतिक गढ़ का अड्डा। आइए हम गांव के जनमानस से परिचय कराते हैं, रूबरू करवाते हैं, हकीकत क्या है। दादाजी आप अपना परिचय दीजिए। सूर्य प्रसाद द्विवेदी, ग्राम पुरासी। जो यहाँ 2022 के चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सुखलिया गांव को राजनीतिक अड्डा बनाया है, क्या कारण है? उसका कारण है सब अपने अपने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दावे झूठे दावे कर रहे हैं और पूरा कोई नहीं करता। आज के 2019 के चुनाव में ये मौजूदा विधायक श्री राम नरेश रावत ने वादा करके यहाँ से गए कि हम ये रोड जो है सुखलिया को कंकड़ और खरिंजा से निर्माण करा देंगे। आज ये जैसे के तैसे पड़ा हुआ है। गांव का प्रधान जो है वो भी इस गांव के लोगों के ऊपर रहम नहीं करता और इस रोड की कोई व्यवस्था नहीं बनाने की कर रहा है। अच्छा, कल राजनीतिक पार्टियों के कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुशील पासी जी आए। हाँ। यहाँ के गरीब जनता के लिए क्या आश्वासन दिया और किट की व्यवस्था की, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या रोकोगे क्या? हाँ दादा, यहाँ से आपका नाव आगे मिल जाएगी वहाँ पर। अच्छा, तो उसके व्यवस्था के लिए सुशील पासी जी आए और लगभग 300 रुपये की किट हर ग्राम के मकानों के आदमियों को दिया और उनसे ये वादा किया कि यदि आने वाले 2022 के चुनाव में हम विजयी होंगे तो ये रोड जो है खरिंजा रोड सुखलिया तक बनवा देंगे। आपको बताते चलें कि गांव के जिला सांसदी सोनिया गांधी का गढ़ है। 20 सालों में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, क्या आपको लगता है इनके आने पर यहां विकास होगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले सपा सरकार थी, रामलाल अकेला विधायक थे, उनके सामने भी ये बाढ़ की समस्या आई और उन्होंने वादा किया था कि हम अपने कार्यकाल में इसको बनवाएंगे, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण उन्होंने भी नहीं करवा पाया। धन्यवाद। जब मैं सुखलिया गांव पहुंचा तो विधानसभा बछरावा के विधायक राम नरेश रावत ने सूत्रों के अनुसार मुझे जानकारी मिली कि राम नरेश रावत ने ग्रामीणों से अभद्रता से बात की। आइए हम जानते हैं कि उनसे कैसे उनको फटकारा और किस तरह उनको अपशब्द बोला है। आपका नाम क्या है? रामरति। विधायक जी ने अभद्रता से बात की, किस प्रकार आपसे की? हेलो। हाँ साहब, ऐसे बोलो साहब ना को।
मतलब यहाँ पे बात होती रही पहले हंसी मजाक की, फिर हंसी मजाक की बात पे तो कहे दुल्हा पैदल जात है, गांव समस्या है, हमका रोड चाहिए। तो फिर वही कहें तो मतलब कहें तो पाँव हाथ मजबूत कर रहे, तो इधर से ही बोले कहें पाँव हाथ ना मजबूत करे कहा मर जाए, हम लोग मर जाए, तुम तो भाई रोड पर चढ़ जा, चल दिया थो। अब तीन बाद साहब हमारे आगे भय है, बहु आगे जो कुछ भय हुए आगे फिर नहीं। फिर उसके बाद विधायक जी ने, फिर विधायक जी कहे तो कहे अब तुम्हारा मारा भाई ढकेल दिया भाई तुम्हें आड़ा धर दिया भाई। तो फिर हमारे गांव के लंबरदार कहे पुरासी के मामा रहे वे कहे वे ना पढ़ा है गरीब मने छोटे मने कुछ कह दिन, तुम तो पढ़े लिखे तुम्हारे बुद्धि तुम तो ना कहीं भी कहो। कोई आया है तो क्या आपने उनके उनके तक अपने कुछ मांगे रखी? जी हर बार हम लोग प्रशासन से जनप्रतिनिधियों से मांग करते आए हैं कि यहाँ की समस्या का निदान करने का आश्वासन कोरे आश्वासन दिए जाते हैं, बस कोरे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता।